ये जो बात है ये है कुछ टाइम आगे की। लोग बात करते हैं कुछ साल पहले की, कुछ टाइम पहले की, पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो कुछ टाइम आगे की बात है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की जो वीडियो है उसके थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, थंबनेल टाइटल से, कि 1 यूरो में आईफोन 12 प्रो बूम 128 GB। मैन कैसे आखिर कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, स्टे ट्यून। तो आपको मैं पहले दिखाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि मुझे ये 1 यूरो में कैसे पड़ा आईफोन 12 प्रो मैक्स। खूबसूरत आईफोन है ये। इसका शशका पता क्या है? इसका खड़ा रहता है, कहीं पे भी रखते हैं आप, फिल्म देखें, अच्छी वाली गंदी वाली जो भी देखनी है जिस हिसाब से भी रखें। इधर इसलिए नहीं खड़ा हो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स के बटन है, और बड़ा सही अच्छे वेट का आईफोन है। हाँ जी, तो अब अनबॉक्सिंग हुई और अब अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स 1 यूरो में कैसे पड़ा। 1 यूरो में आईफोन 12 प्रो मैक्स, वाओ। यहाँ पे एक सर्विस होती है O2 के नाम से, O2 जो सिम देते हैं आपको, सेल फोन भी देते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट पे सेल फोन देते हैं आपको। तो मेरी इस तरह से मैंने जो आईफोन 12 प्रो मैक्स लिया है अपने लिए, वो 1 यूरो में उनको इनिशियली मैंने पेमेंट की है। इनिशियली पेमेंट वैसे तो 50 यूरो, 70 यूरो, 80 यूरो तक की होती है, लेकिन जो मैं iPhone 12 Pro Max लिया है उसकी 1 यूरो में, उसका बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि मैं O2 वालों का 1 साल या 1.5 साल से कस्टमर हूँ। तो उन्होंने जब ये iPhone 12 Pro Max आया तो उन्होंने ये अपनी सेल लगाई कि आप जो O2 के कस्टमर्स हैं वो हमसे 12 Pro Max ओनली इनिशियली जो पेमेंट है 1 यूरो की वो पे करें, और फिर उसके बाद आप ये आपके घर आ जाएगा। तो मैंने इसी तरह से ऑनलाइन ऑर्डर किया, 1 यूरो ऑनलाइन पे किए, और 50 यूरो के हिसाब से मेरी इंस्टॉलमेंट बन गई 2 साल तक के लिए। तो इट्स इजी फॉर अस टू पे 50 यूरोस मंथली। तो दिस इज़ द होल रीज़न बिहाइंड 1 यूरो आईफोन 12 प्रो मैक्स। यही एक चक्कर है जिसकी वजह से मुझे 1 यूरो में आईफोन 12 प्रो मैक्स पड़ा। अब इसकी स्पेक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ द बेस्ट डिज़ाइन सो फार इन माई ओपिनियन, दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन एंड आई लव दिस डिज़ाइन। जितने भी आईफोन आए उससे पहले के डिज़ाइन में से ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन ये है। थोड़ा सा स्लिम नहीं है बट थोड़ा सा मोटा सा है, और वेट में भी अच्छा है। आईफोन का वेट हमेशा बहुत बेस्ट रहता है, जितने भी फोन हैं मैंने आज तक पकड़े हैं, आईफोन इज़ द बेस्ट फॉर इट्स वेट। आईफोन 12 की जो बैटरी है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, उसकी टाइमिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है, बट स्टिल इट्स गुड। पर जो आईफोन 12 प्रो मैक्स है इसकी बैटरी भी लंबी है, उसकी बैटरी टाइमिंग भी लंबी है, और उसकी बैटरी लाइफ भी लंबी है। एज यू कैन सी इसके 3 कैमरे हैं, जो 11 प्रो मैक्स है उससे थोड़े से बड़े हैं, और इसके काम भी बहुत बड़े हैं, मुझे अच्छा लगा है। और इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अक्सर जो भी क्लिक्स वगैरह करता हूँ, बाहर जो वीडियो शूट वगैरह करता हूँ, तो उससे मैं यूज़ कर लेता हूँ अल्ट्रा वाइड लेंस को। एंड द अदर थिंग इज 1080 पे 240 FPS, नेक्स्ट लेवल हाई स्पीड, खतरनाक स्लो मोशन शॉट जिसमें टिकटॉकर्स के मज़े आ गए। टिकटॉकर्स अगर ये फ़ोन लेंगे और 240 FPS पे शूट करेंगे तो वो अलग ही स्लो मोशन हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग सो फार। मोर ओवर यू कैन रिकॉर्ड 4K इन 60 FPS, दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। एंड 4K with 60 FPS is like amazing. No jerking, no frame jerking. और यहाँ से पता चलता है कि आप इस फ़ोन को क्यों लें, because iPhone now 12 Pro Max, 12 Pro सेम, they record both in 4K with 10-bit. 10-bit जो है वो हमारे DSLR कैमरा में नहीं था, अच्छे अच्छे कैमराज में नहीं था, जिससे आप मुझे देख रहे हैं अभी, ये भी सोनी का कैमरा है लेकिन इसमें भी अभी 10-bit नहीं है, ये 8-bit कैमरा है अभी। अब ये 8-bit, 10-bit, 12-bit, थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी, शेड वैल्यू पर चैनल ऑफ RGB। आसान अल्फाज में कहें, अगर आप आईफोन से कुछ शूट करेंगे, कुछ रिकॉर्ड करेंगे और उसको फिर एडिट में डालेंगे और फिर उसके बाद आप कलर ग्रेड करेंगे, तो कुछ कमाल ही होगा। और कमाल से मेरा मतलब है
कुछ नेक्स्ट लेवल होगा। मुश्ताक भाई का बेटा कमाल नहीं होगा। इस आईफोन में 5G है जो कि अच्छी बात है, पर चार्जर नहीं है जो कि बुरी बात है, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास चार्जर है, पर जिसके पास नहीं है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इन कंक्लूसिवली आई रेस्ट माई केस बाई सेइंग दैट साल 2050 होगा जब सबके हाथ में आईफोन 60 होगा, 60 बोले तो 60। माय नेम इज उसामा साकिब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉयिंग लाइफ। और ऑप्शन ही क्या है, ये रह गया था काफ़ी दिन से।